सो हे व्हाट इज अप एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो मैं वापस आ चुका हूं पोकेमॉन यूनाइट का और एक अमेजिंग सा गेम प्ले लेके। तुम में से जो लोग भी मेरे डेली वीडियोस देखते हो ना, उन लोगों को पता होगा कि मैंने रिसेंटली एक वीडियो में कहा था गाड़ी वर्ग का साइशॉक वाले मूव सेट को एक स्लाइटली डैमेज बफ मिला हुआ है, एंड आई वाज राइट। अब पता है मुझे कैसे पता चला कि इसको स्लाइटली बफ मिला है? लास्ट एक सीजन से गाड़ी वर्ग एकदम नहीं चला, क्योंकि गाड़ी वर्ग को इतना गंदा वाला नर्फ कर दिया गया था ना। साइशॉक का कूल डाउन लगा दिया गया था 11 सेकंड का, और उसका डैमेज का तो तुम पूछो ही मत। तो बेसिकली पूरे एक सीजन गाड़ी वर्ग ना चलने के बाद इस सीजन मास्टर पुश करते वक्त जब मैंने एक दो मैचेस के लिए गार्डिवर पिक किया, मैंने नोटिस किया ब्लास्टर्स जैसा पोकेमॉन मेरे एक साइशॉक एंड साइकिक से चला जा रहा है। मतलब सीरियसली इफ यू आस्क मी, मेरे अकॉर्डिंग गार्डिवर को बहुत ज्यादा डिसेंट भी बफ बिल्कुल नहीं मिला है। लास्ट एक सीजन से बहुत ज्यादा नर्फ हो रखा था, तो अभी बस उसको नॉर्मलाइज कर दिया गया। तो हाँ, अभी तुम अच्छे से खेल सकते हो एटलीस्ट। अब चलो थोड़ा मैच के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि तुम लोग देख सकते हो, मैच के स्टार्टिंग में जंगल करके मैं टॉप लेन में आ गया था टीममेट्स को सपोर्ट करने के लिए, और हम इन तीनों को टॉप लेन में अंडर लेवल मार के टॉप बेस में बहुत ज्यादा स्कोर करके डोमिनेट कर लेते हैं। विनोसर को मैं सेकंड जंगल छोड़ देता हूँ ताकि उसका सोलर बीम जल्दी खुल जाए, और मैं थर्ड जंगल लेकर टॉप लेन में जब वापस आता हूँ तब मैं इनके जाशन और लैप्रेस को तो मार लेता हूँ, लेकिन पीछे से मुझे एक ग्रीन निंजा मार के चला जाता है। हमारा लैप्रेस निंजा को मारने की कोशिश तो पूरा कर रहा था, लेकिन वो बार बार भाग जा रहा था, इसलिए लैप्रेस स्कोर करके ओपोनेंट्स का टॉप बेस खाली कर देता है। टॉप लेन में लैप्रेस होल्ड करके रखा है और रेजिले की भी कोई मेल्ट कर नहीं रहा है, तो मैं चला जाता हूँ बॉटम लेन में टीम फाइट में हेल्प करने के लिए, क्योंकि वहां पे बार बार एग्रेसिव पुश आ रहा था, प्लस मेरे यूनाइट की वजह से देखो यहाँ पे फाइट क्लियर हो भी है। ग्लेशियर एंड क्लेफोवेल को मार लेने के बाद मैं चला जाता हूँ सीधा स्कोर करने के लिए, क्योंकि मुझे बॉटम वाला लेन खाली करना था, और मैं अपने टीममेट्स को भी बुला लेता हूँ कि ये स्कोर कर लो, ये वाला बेस खाली कर देते एक बार में। मैं तो सक्सेसफुली 40 का स्कोर आराम से कर लेता हूँ यहाँ पे, लेकिन मेरे स्कोर करने के बाद जब मेरे टीममेट्स आते हैं स्कोर करने के लिए, तब ये क्लेफोवेल आ जाता है बेस को डिफेंड करने के लिए। मैं आईविसा और स्लोबरो तीनों मिलकर क्लेफोवेल को पकड़ते और बोलते इसको मार लेते यहाँ पे, ये बेस खाली करते और बॉटम वाला ऑब्जेक्टिव लेके जाते हैं टॉप लेन में, लेकिन तब तक ओपोनेंट्स ने रेजिली की ले लिया था। तो गुड पार्ट इज हम लोग ओपोनेंट्स का बॉटम बेस खाली कर देते हैं, और उसके बाद रेजिस्टिल सिक्योर कर लेते हैं। बट दिक्कत ये होता है ना कि ओपोनेंट्स के 5 बंदे रेजिली के लेने चले गए थे, पुश करके हमारा टॉप बेस खाली कर देते हैं। और रैंक पुशिंग लॉबी में ना बस यही एक दिक्कत होता है, तुम कितना भी ट्राई करो बॉटम ऑब्जेक्टिव लेने का, बंदे पागल हो जाते रेजिली के लेने के लिए, कभी कभी तो 5 मिनट पुश आ जाता है। देखो जब पनौती लगता है ना भाई, हर तरीके से लगता है। हमारा टॉप बेस खाली करने के बाद ओपोनेंट्स बॉटम बेस में हमारा 5 मिनट पुश कर देता है, जिस टाइम में हमें डिफेंडर की सबसे ज्यादा जरूरत है, उस टाइम में हमारे लैप्रेस का नेट चला गया। वाओ, विनोसर ने यहाँ पे ओपोनेंट्स के 2 बंदे को निकाल दिया था। मैं यहाँ पे गाड़ी वर कॉम्फी लेके थोड़ा थोड़ा करके डैमेज दिया जा रहा था, ताकि ये लोग स्कोर करके इस बेस को खाली न कर दे, और वेट कर रहा था स्लोब्रो के आने का। स्लोब्रो बॉटम लेन में आते मेरे लिए थोड़ा बहुत टैंक करने लग जाता है, मैं बंदों को लोक कर रहा था, लेकिन तभी भाई स्लोब्रो को जाशन एंड लैप्रेस मिलकर मार लेता है। लकीली हमारा विनोसर आ जाता है और इन बंदों को वो सिक्योर कर लेता है। हमें लगा हम लोगों ने इधर फाइट क्लियर कर लिया, लेकिन फाइट करते करते हम लोग यही भूल गए थे कि ग्लेशियर और निंजा का भी तो रिस्पॉन होकर आना अभी भी बाकी है। इवेंचुअली बहुत देर बाद मैं यहाँ पे पिट जाता हूँ, लेकिन हमारे लैप्रेस को देखो, उसको कोई फर्क पड़ता है क्या भाई? वो रेक्वाजा का दर्शन लेके ही आएगा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, जितने देर से हमारा लैप्रेस ऑफलाइन है ना, थोड़ी देर बाद रेक्वाजा आके उसको खुद बोल के जाएगा, ये काम मैं कर लेता हूँ, तुम जाओ आईपीएल में टीम बनाओ। हमारा मनहूस लैप्रेस ऑनलाइन आते ही हमारे हाथ से रेजिली की रेजिस्टील दोनों एट द सेम टाइम चला जाता है। समा हम लोग बेस्ट तो डिफेंड कर लेते हैं, बट उसके बाद क्या, रेजिस्टील से ओपोनेंट्स का स्टैट बूस्ट होते ही वो लोग फिर से बॉटम लेन में 5 मैन करना चालू कर देते हैं। मैं सही टाइम पे आ जाता हूँ, 4 बंदों को मार लेता हूँ। काश एक बंदा और मिल जाता, पेंटा हो जाता यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे 4 बंदों को मार के बेस्ट डिफेंड करने के बाद ना, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था लास्ट बंदा एटलीस्ट लैप्रेस या तो जाशिन में से कोई हो, लेकिन वो निकलता है ग्लेशियर। अब देखो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं यहाँ पे अपने टीममेट्स को बोला था कि लास्ट बंदे को मत मारना, मेरे को मार लेने दो। अब मैंने यहाँ पे ग्लेशियर को जल्दीबाजी में मारने के चक्कर में थोड़ा बहुत एम चोक कर जाता हूँ, जिस वजह से ग्लेशियर ने मेरे पे अपना यूनाइट चला दिया। ऑल्दो ग्लेशियर ने अपना यूनाइट वेस्ट किया, क्योंकि मुझको बचाने के लिए विनोसर आगे आ जाता है, और उसको देख के ग्लेशियर भाग जाता है, और ग्लेशियर को भागते देख मैं भी भाग जाता हूँ। अब क्योंकि इस मैच को हम लोग स्टार्टिंग से डोमिनेट कर रहे थे, तो फाइनल स्ट्रेच चालू होते ही ऑपोजिंग टीम के बंदे रेक्वाजा मेल्ट करना चालू कर देते हैं। मैं हमारे डिफेंडर्स को आगे भेजता हूँ विजन लेने के लिए, और देखता हूँ रेक्वाजा का एचपी बहुत ज्यादा लो है। मैं लास्ट एड लेने के लिए यूनाइट साइकिक एंड साइशॉक खोल देता हूँ, बट रेक्वाजा लेके जाता है विनोसर। हम विनोसर को सेंटर में मरने के लिए छोड़ के चले जाते हैं स्कोर करने के लिए। मैं सबसे पहले गया था स्कोर करने के लिए, इवन लैप्रेस से भी आगे स्कोर करना मैंने चालू कर भी दिया था, और लैप्रेस बाद में आके कैसे मेरे से आगे कर गया स्कोर। अब देखो इस जगह पे मैं हो रखा था फ्रस्ट्रेट, अगर 5 बंदों के बीच में जाके भी मुझे स्कोर करना पड़ जाए तो मैं कर लेता। वेल, मैं चला तो गया था, 5 बंदे बाद में आ गए और मेरे को कूट के चले गए, बट नेवर माइंड, स्कोर तो कर दिया मैंने। नहीं, यहाँ पे कूटने के बाद तुम लोग को सीरियसली लग रहा है मैं बदला लेने नहीं आऊंगा? ऑफकोर्स रिस्पॉन होकर मैं आ गया यूनाइट लेके। हम सबसे पहले क्लेफोबल को मार लेते हैं, और उसके बाद स्कोर कर लेते हैं, फिर लग जाते हम लोग जाशियन और निंजा को मारने के लिए। उन लोगों को भी हम लोग मार लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके स्कोर कर लेते हैं, फिर हम लोग ट्राई कर रहे थे इस लैप्रेस और ग्लेशियर को मारने के लिए, बट धीरे धीरे
धीरे करके मेरे टीम का पत्ता साफ हो रहा था। मैं धीरे धीरे करके कोने में खिसक रहा था ये सोच के कि गेम के टाइमर को कोई 2x स्पीड में चला दो, भाई मेरे को पिटना नहीं है, इज्जत के साथ मैच को खत्म करना है, और वही हुआ। एंड जस्ट लाइक दैट हम लोग इस मैच को जीत जाते बहुत ही ज्यादा एक डिसेंट स्कोर के साथ। एट द एंड आई रियली होप कि तुम लोगों ने इस वीडियो को देखकर एंजॉय किया होगा, और अगर तुम लोग कोई वीडियो देखकर थोड़ा सा भी मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो डेली ऐसे वीडियोस और भी देखते रहने के लिए। वैसे हां गाइस, पोकेमॉन यूनाइट में 2 दिन बाद चैंडलर रिलीज होने वाला है, तो मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में कौन कौन उसे परचेज करने वाले हो। सो वेल देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूं तुम लोग को एक नए और अमेजिंग गेम प्ले के साथ। अंटिल देन पीस आउट एंड टेक केयर।